हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विभा शर्मा जी और आप देख रहे हैं विभूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फेसबुक के सारे पोस्ट को एक बार में कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा शर्मा जी और आप देख रहे हैं विभूज वर्ल्ड। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक के सारे पोस्ट को एक बार में कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मैं अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर चुका हूँ और डिलीट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले कुछ पोस्ट को यहाँ पे अपने अकाउंट पे पोस्ट करके दिखाता हूँ कि सारे पोस्ट को कैसे डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पोस्ट करना होगा। तो चलिए मैं कुछ पोस्ट कर लेता हूँ। मैं अपने फेसबुक पेज को फाइंड कर लेता हूँ और उसी से कुछ पोस्ट को अपने अकाउंट पे शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सारे पोस्ट को एक बार में कैसे डिलीट करना है। जैसे मैं अपने फेसबुक पेज को ओपन कर लिए हैं, अब इसे शेयर कर लेता हूँ अपने अकाउंट पे ताकि मेरा बहुत सारा पोस्ट एक बार में हो जाए। यहाँ पर हम शेयर कर लेते हैं 5-6 times। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर 4-5 times शेयर कर लिए हैं। यहाँ से बैक होते हैं और बैक होने के बाद आपको जाना है, देख सकते हैं राइट साइड में टॉप पे 3 line का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका नाम शो कर रहा है इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके प्रोफाइल में आ जाइएगा। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इसे कितने टाइम्स शेयर कर चुके हैं, यानी अपने पोस्ट को फिर से आप शेयर किए तो आपके टाइम लाइन पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। हम यहाँ पर 5 times पोस्ट कर चुके हैं, यानी शेयर कर चुके हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक ही बार में ये सारे पोस्ट को डिलीट करके दिखाता हूँ। इसके लिए आप सबसे टॉप पे आ जाइए। मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। आपके अकाउंट पे हो सकता है कि आप जब ये 3 dots पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज पोस्ट, यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मैनेज पोस्ट नहीं है। तो आपके अकाउंट पे हो सकते हैं कि 3 dots पे क्लिक करने के बाद मैनेज पोस्ट आए। तो अगर आपको वहाँ पे मैनेज पोस्ट नहीं मिल रहा है तो आप नीचे आ सकते हैं। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में मिडिल पे एक सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। सेटिंग्स में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारे पोस्ट आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। मेरा यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर मिल रहा है, आपके वहाँ पे मिलेगा, यानी आपके अकाउंट में हो सकता है 3 dots पे क्लिक करने के बाद मैनेज पोस्ट मिलेगा और मैनेज पोस्ट के अंदर आपको इसी तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे करना क्या है, ये जो आपको ऊपर में सर्किल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, यानी सारे पोस्ट आपको जितने भी पोस्ट डिलीट करना है सारे पोस्ट को आप एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा सारे पोस्ट सेलेक्ट हो चुका है। आप अगर नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे 3 options मिलेगा, उसमें से जो एकदम राइट साइड वाला ऑप्शन है जिसे हम लोग डिलीट बोलते हैं, डिलीट पे आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे एकदम नीचे वाला जो ऑप्शन है डिलीट पोस्ट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर से डिलीट पोस्ट पर क्लिक कीजिए। डिलीट पोस्ट में क्लिक करते ही ये डिलीट हो जाएगा, कुछ देर टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये कंप्लीट होने के बाद आपका सारे पोस्ट डिलीट हो जाएगा आपके अकाउंट से। तो चलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरा सारे पोस्ट एक ही बार में डिलीट हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब आप यहाँ से बैक हो जाइए। बैक होने के बाद अपने प्रोफाइल में नीचे की तरफ आइए तो आप देख सकते हैं आपके जितने भी पोस्ट था, जो आपका 4 या 5 posts जो हम शेयर करके आपको दिखाए थे, सारे पोस्ट एक ही बार में डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट के सारे पोस्ट को एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे आने के बाद इस 3 dots पे क्लिक करने के बाद मैनेज पोस्ट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद इस सेटिंग्स में क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके फ़ोन पे यानी आपके अकाउंट पे इस 3 dots पे क्लिक करने के बाद मैनेज पोस्ट का ऑप्शन आ गया है तो मैनेज पोस्ट पे क्लिक करने से ही आपको वो ऑप्शंस मिलेगा जिसमें आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपने सारे पोस्ट को, फेसबुक के सारे पोस्ट को एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।